हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। 1992 में निर्मित लेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड विभिन्न इस्पात उत्पादों के व्यापार, माल के व्यापार और शेयरों और सुरक्षा के कारोबार में लगी हुई है। व्यवसाय अवलोकन। कंपनी की स्थापना नेटवर्किंग क्षेत्र में तकनीकी सेवाएं और समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और 2013 में अपने आईटी डिवीज़न को अलग कर दिया गया। कंपनी अब स्टील उत्पादों और खिलौना वस्तुओं के व्यापार में सक्रिय है। कंपनी पूंजी बाजार में शेयरों और स्टॉक में भी काम करती है। वारंट का रूपांतरण। वित्त वर्ष 2011 में कंपनी ने 6,25,99,890 परिवर्तनीय वारंट को इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया और तदनुसार 31 मार्च 2021 को भुगतान की गई पूंजी 7,39,20,260 रुपये थी, जो 739 में विभाजित थी रुपये के 20,260 इक्विटी शेयर प्रत्येक को। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके मुख्य डाटा पर। तो इसका मार्केट कैप 43.9 करोड़, करेंट प्राइस 3.99 रुपया, 52 वीक का हाई लो 11.20 रुपया और 3.65 रुपया, बुक वैल्यू 1.66 रुपया, ROCE 0.92%, ROE 1.05%, फेस वैल्यू 1 रुपया, इंटरप्राइजेज वैल्यू 43.7 करोड़। अब चलते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पे। मैक्सिमम चार्ट तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 जून 2022 को 29.45 रुपया पर गया था। और वन ईयर का चार्ट अगर देखते हैं तो इस प्रकार है, जो कि अभी कंसोलिडेट मोड में है। तो अभी हो सकता है कि इसका प्राइस कंसोलिडेट करेगा। अब इसमें प्रोज और कॉन्स, प्रोज 3 है और कॉन्स 4। प्रोज में कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, यानी कि डेप्ट को कम कर रही है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, इसको डेप्ट फ्री माना जा सकता है। और डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 26.7% लास्ट 5 ईयर्स का, ये प्रोज है। और इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज, मैनकाइंड फर्मा, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, MMTC, रेड टैप, PDS, लेसा इंडस्ट्रीज, इस प्रकार है 105 कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो जून 2023 सेल्स है 67 लाख का मात्र और एक्सपेंस 68 लाख का, 1 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है। और इसमें एक बात है कि अदर इनकम, तो अदर इनकम 6,38,00,000 का है। अब इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं तो अदर इनकम 6,38,00,000 का, जो कि एक्सेप्शनल आइटम्स से इनकम हुआ है 6,30,00,000, जो कि बार बार ये नहीं आ सकता है। और नॉर्मल तो 8,00,000 का ही है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा।
तो इस तरीके का रिजल्ट बार बार नहीं आ सकता है, यानी कि अदर इनकम बार बार ऐसा नहीं इनकम हो सकता है इतनी ज़्यादा, ये पक्का ध्यान में रखें। नेट प्रॉफिट इसका 6,32,00,000 और EPS 57 पैसे का है। TTM लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स 4,88,00,000, एक्सपेंसेस 4,98,00,000, अदर इनकम 6,24,00,000, नेट प्रॉफिट 6,11,00,000, EPS 55 पैसे। डिविडेंड पे आउट नहीं करती है कंपनी। शेयर कैपिटल 11 करोड़ का, रिजर्व इसके पास 7,26,00,000 का है, ब्रोइंग मात्र 18,00,000 का है। ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। टोटल एसेट है 22,42,00,000 और कैश फ्लो प्लस में है 17,00,000 का मार्च 2023 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि जून 2022 में 41.44% था, उसके बाद में थोड़ा सा घटा है, उससे पहले भी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2021 में 45.13% था, अभी जून 2023 में 41.43% रह गया है, तो उतना कम तो नहीं है। पब्लिक के पास में 58.56% है, जो कि पब्लिक के पास में ज़्यादा है और प्रमोटर के पास में कम। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि कितने शेयर होल्डर्स के पास में इस कंपनी का शेयर है, 71,320 लोगों के पास में इसका शेयर है। इसमें एक न्यूज है जो कि 19 अगस्त का ही है, अभी का नहीं है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर चंद्रकांत चौहान एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और कुछ खास कि ये शेयर उतना खास नहीं है, लेकिन कम रुपए पर ट्रेड कर रही है और प्रॉफिट भी इनकम कर रही है, तो हो सकता है इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट बार बार लगे। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों।